पॉलिसी को लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने चीन को चेतावनी दी है। ओबामा ने कहा है कि साउथ चाइना सी पर आए इंटरनेशनल फैसले को चीन को हर हाल में मानना होगा। ओबामा की ओर से ये टिप्पणी चीन अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को नजरअंदाज करने का संकल्प लिए जाने की पृष्ठभूमि में की गई है। ओबामा ने लाओस में एशियाई नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, जुलाई में आए पंचायत के ऐतिहासिक बाध्यकारी फैसले ने क्षेत्र में समुद्री अधिकारों को स्पष्ट करने में मदद की है। ओबामा की इन टिप्पणियों पर बीजिंग की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आनी तय है। बीजिंग रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम जल क्षेत्र पर अपने दावों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाता रहा है। ओबामा ने चीन से कानून के शासन के अनुरूप चलने के लिए कहा है। उन्होंने चीन से ये भी कहा कि वो तनाव बढ़ा सकने वाले एक पक्षीय कदम न उठाए। जवाब में चीन ने अमेरिका पर दखलअंदाजी करने और फैसले का इस्तेमाल विवाद भड़काने के लिए करने का आरोप लगाया। ओबामा ने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मैं जानता हूं ये तनाव बढ़ाता है, लेकिन मुझे इस बात पर भी चर्चा की अपेक्षा है कि हम किस तरह से तनाव को कम करने और कूटनीति एवं स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में रचनात्मक रूप से एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि ओबामा की टिप्पणियों से पहले ही फिलीपींस और चीन के बीच के इस विवाद की छाया ने लाओस में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई सम्मेलनों को घेर लिया था। फिलीपींस ने तस्वीरें पेश करते हुए कहा कि ये प्रमुख क्षेत्र स्कारबोरो शोवाल में किए गए हालिया निर्माण कार्य को दर्शाती है। इस आरोप से बीजिंग ने इनकार किया था और वॉशिंगटन ने इसे एक तरह से नजरअंदाज कर दिया था। चीन ने सालों से चली आ रही अटकलों को खत्म करते हुए कहा कि वो नेक्स्ट जेनरेशन का लॉन्ग रेंज बम बरसाने वाले विमान बना रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की वायुसेना के प्रमुख जनरल मा शियाओतियान ने कहा कि नए बम बरसाने वाले विमान से लंबी दूरी तक मार करने की चीन की क्षमता में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हम लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम बम बरसाने वाली अगली पीढ़ी के विमान को विकसित कर रहे हैं, जिसे आप भविष्य में देख सकेंगे। इस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के बयान से इस बात की पहली बार पुष्टि हुई है कि चीन लंबी दूरी के बम वर्षक की परियोजना पर काम कर रहा है। चीन पनडुब्बियों, विमानवाहक पोत और उपग्रह रोधी मिसाइलों समेत नए उन्नत सैन्य उपकरणों की खोज कर रहा है। कई वर्षों से रूस के लड़ाकू विमानों की नकल करने वाला चीन अब खुद के ऐसे लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है जो रडार की पहुंच से बाहर होंगे। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि उनका ध्यान अब संख्या के बजाय गुणवत्ता। कैटरीना कैफ का रणबीर कपूर से ब्रेकअप इस साल जनवरी में हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कैटरीना उस घर में रह रही थी जहां उन्होंने रणबीर के साथ अच्छे दिन बिताए थे। लेकिन अब कैटरीना ने लगभग 8 महीने बाद इस प्यार के घोंसले को छोड़ दिया है। कैटरीना बांद्रा स्थित गुलदेव सागर के अपने पुराने फ्लैट में लौट आई है। इस 2 BHK फ्लैट में कैटरीना रणबीर के साथ शिफ्ट होने से पहले रहती थी। इस अपार्टमेंट में पिछले 3 महीने से रेनोवेशन का काम चल रहा था। हालांकि रणबीर से ब्रेकअप के बाद कैटरीना को नया घर ढूंढते हुए भी देखा गया, लेकिन शहर में उन्हें अपनी पसंद का कोई घर नहीं मिला। शायद यही वजह रही कि कैटरीना ने अपने पुराने अपार्टमेंट ही लौटना ठीक समझा। रणबीर ने ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद ही कार्डर रोड स्थित फ्लैट छोड़ दिया था। वो इन दिनों चेंबूर स्थित अपनी दादी कृष्णा राज के घर में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इससे पहले रणबीर ने पाली हिल पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जिसमें वो कुछ दिनों तक अकेले रहे थे। हम आपको बता दें कि इन दिनों जहां रणबीर अपनी अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन में बिजी हैं, तो वहीं कैटरीना भी अपनी फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन में बिजी हैं, जो कल यानी 9 सितंबर को रिलीज हो रही है। भारत ने मुंबई हमलों को लेकर पाक सरकार और लश्कर आतंकी लखवी समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने 2008 मुंबई हमले के दौरान लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल नौका की जांच परख करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत ने रावलपिंडी के आदियाला जेल में मुंबई मामले की आज सुनवाई की और 7 आरोपियों तथा अभियोजन को नोटिस जारी कर कराची के गोदी में खड़े अल्फाज नाव की जांच परख को लेकर उनकी दलीलें मांगी। उन्होंने कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ही के वकील मामले की अगली सुनवाई के दिन 22 सितंबर को अपनी दलीलें पेश करेंगे। गौरतलब है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुंबई मामले में अल्फाज की जांच परख के लिए आयोग को कराची नहीं जाने देने के निचली अदालत के फैसले को पिछले महीने खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को दोषपूर्ण और कानून के अनुसार नहीं होना बताया और अल्फाज के जांच परख की अनुमति दे दी। अभियोजन ने अनुरोध किया है कि नौका को मुकदमे की संपत्ति बनाया जाए। अल्फाज कराची में पाकिस्तानी अधिकारियों की निगरानी में है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने वाले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने फिर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। बीएमसी के चुनाव से पहले गैर मराठी की राजनीति चमकाने के लिए मनसे के कार्यकर्ताओं ने फिर से मसले को गरमाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। मुंबई के घाटकोपर में फल बेचने वाले एक उत्तर भारतीय की पिटाई कर दी है। माना ये जा रहा है कि अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे की पार्टी मराठी और गैर मराठी के मुद्दे को फिर गरमाना चाहती है। आगामी बीएमसी चुनावों को देखते हुए मनसे ने एक बार फिर मराठी मानुष का हितैषी बनने के नाम पर एक उत्तर भारतीय फल विक्रेता को जमकर पीटा। मनसे के कार्यकर्ताओं ने मराठी शेतकरी के अधिकार के नाम पर एक फल वाले को जमकर पीटा। ये घटना घाटकोपर के अमृतनगर की है। इस फल विक्रेता को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मनसे कार्यकर्ताओं ने सरेआम दावा किया कि कोई भी उत्तर भारतीय यहां पर धंधा नहीं लगाएगा। सूत्रों की यदि माने तो आगामी बीएमसी चुनावों के मद्देनजर मनसे इस प्रकार का कदम उठा रही है और कहीं न कहीं मराठी वोट बैंक को बनाने के लिए इस प्रकार की अराजकता को अंजाम दे रही है, जिसके बाद एक बार फिर से परप्रांतीय मुद्दा उठने लगा है। लेकिन जो भी हो, ये तस्वीरें एक बार फिर गुंडागर्दी की वो कहानी बता रही हैं, जिसके सहारे राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर राग अलापते हुए कश्मीर को पाकिस्तान के गले का नस बताया। राहिल शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान घाटी के लोगों का कूटनीतिक और नैतिक मोर्चे पर समर्थन करता रहेगा। पाकिस्तान के रक्षा दिवस पर बोलते हुए जनरल शरीफ ने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, कश्मीर के मसले का हल UN रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख्वातीन हज़रात, कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आजादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, अपने सेना का डर दिखाकर पड़ोसी देशों को गीदड़ भभकी देते हुए शरीफ ने कहा, मैं हमारे दुश्मनों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का रक्षा तंत्र पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो गया है। तमाम दुश्मनों पर ये वाजे कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पहले मजबूत था और आज नाकाबले तस्खीर है। गौरतलब है कि 1965 के युद्ध में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान 6 सितंबर को रक्षा दिवस की तरह मनाता है। शरीफ ने अपने बोलने के दौरान चीफ की तारीफ भी की और पाकिस्तान चीफ के बीच के रिश्तों को दोस्ती का अच्छा नमूना बताया। NMF न्यूज की रिपोर्ट। आसियान शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाओस के वियतनाम में मुलाकात की। यहां राष्ट्रपति ओबामा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मामलों में बातचीत की। पिछले 2 साल में मोदी और ओबामा की 8वीं मुलाकात है। योकोटा में उनके विमान के लिए ईंधन लिया जाएगा। दोनों नेताओं ने इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान भारत अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग, सौर ऊर्जा और अन्वेषण के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा से उसके कार्यकाल खत्म होने पर भारत आने को कहा, जिसके बाद ओबामा ने कहा कि वो मिशेल के साथ जरूर भारत ताजमहल देखने आएंगे। ओबामा जापान के योकोटा से होते हुए अमेरिका रवाना हो जाएंगे। योकोटा में उनके विमान के लिए ईंधन लिया जाएगा। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के एक्स बॉयफ्रेंड उपेन पटेल के लव रिलेशन की खबरें सामने आने लगी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उपेन इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। दरअसल पिछले दिनों उपेन ने गणेश चतुर्थी का त्योहार शमिता शेट्टी के साथ ही मनाया, जिसके बाद उपेन ने इंस्टाग्राम पर उस दौरान की तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, उनके बेटे और शमिता के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो उपेन और शमिता वाकई में एक दूसरे के साथ काफी जच रहे हैं।
यही नहीं, फॉलोअर्स और फैंस भी इन दोनों को कपल ही करार दे रहे हैं। इनकी इस तस्वीर पर फैंस के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जहां फैंस इन दोनों को कपल करार दे रहे हैं, वहीं उपेन पटेल बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ उस वक्त कैमरे में कैद कर लिए गए जब ये दोनों एक रेस्टोरेंट से एक डिनर के बाद बाहर निकल रहे थे। बता दें कि अभी हाल ही में उपेन पटेल का अभिनेत्री करिश्मा तन्ना से ब्रेकअप हुआ। बिग बॉस के पिछले सीजन में इन्हें प्यार हुआ था और बाहर आने के बाद काफी समय तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया। वहीं एमी जैक्सन ने कुछ समय पहले प्रतीक बब्बर से ब्रेकअप किया है। ये दोनों सिंगल हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनके बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वेल, उपेन पटेल का नाम इन दोनों एक्ट्रेसेस से जुड़ रहा है, लेकिन उपेन का दिल किसके लिए धड़क रहा है ये तो वही जाने। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से अलग हुए लोगों और कारोबारियों ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। इस स्टिंग में हार्दिक के चचेरे भाई रवि पटेल 30 लाख रुपए लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि हार्दिक पटेल इस वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पैसे देने वाले ने ये साफ किया है कि ये पैसा हार्दिक पटेल के लिए दिया गया था। उसके फैमिली में ही गया है, सबको मालूम है, आगे बता दूंगा। हार्दिक के लिए कितने पैसे दिए गए? फिलहाल तो उसने आज हमको चैलेंज किया, महेश भाई को और मेरे को, कि अगर मतलब कि आपने क्या दिया है करके तो बताओ हमको। तो हमने जो दिया है पहला स्लॉट में 30 लाख रुपया, सबको मालूम है, आगे बताऊंगा। हार्दिक के लिए कितने पैसे दिए गए? फिलहाल तो उसने आज हमको चैलेंज किया, महेश भाई को और मेरे को, कि अगर मतलब कि आपने क्या दिया है करके तो बताओ हमको। तो हमने जो दिया है पहला स्लॉट में 30 लाख रुपया, वो उसको दिखाया। स्टिंग वायरल होने के बाद अब हार्दिक पटेल ने पूरे मामले से किनारा कर दिया। हार्दिक पटेल ने साफ किया कि यदि उनके भाई का कोई भी व्यक्तिगत लेन देन होता है तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं। वहीं इस मामले में उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर साजिश करने का आरोप लगाया है। तो वहीं स्टिंग करने वाले मुकेश पटेल का कहना है कि अब जब गुजरात में बड़ी तादाद में पाटीदार लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो हार्दिक को लग रहा था कि उनकी नेतागिरी छिन जाएगी, क्योंकि उन्होंने अब तक समाज के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। ऐसे में हार्दिक पटेल इस स्टिंग में भले ही न दिख रहे हो, लेकिन सवाल तो उठने शुरू हो ही गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हाजिर जवाबी की सराहना करते थे, लेकिन सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने भी एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। दरअसल 4 सितंबर को शिशिर नायक नाम के शख्स ने सुषमा और स्वराज कौशल से एक सवाल किया। उसने पूछा था कि सुषमा स्वराज ट्विटर पर अपने पति को फॉलो क्यों नहीं करती। नायक ने लिखा, हेलो मैम, ट्विटर पर गवर्नर स्वराज आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं करती, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। इसके बाद शिशिर नायक को सुषमा से तो जवाब नहीं मिला, लेकिन कौशल ने उसका जवाब दे दिया। स्वराज कौशल ने लिखा, मैं उन्हें 45 साल से फॉलो कर रहा हूँ, अब चीजें बदल नहीं सकती। ट्विटर पर सुषमा स्वराज काफी पॉपुलर मंत्री हैं। उन्हें लोगों को काम के सवालों के साथ साथ बेमतलब के सवालों के जवाब को देते हुए भी देखा गया है। वहीं कौशल ने ऐसा पहली बार किया है। इससे पहले सुषमा स्वराज ने 13 जुलाई को अपनी शादी की सालगिरह के दिन पति कौशल के साथ वाली एक पुरानी फोटो शेयर भी की थी। वहीं लगभग एक महीने पहले उन्होंने संसद के बाहर की एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वो अपने पति कौशल के साथ खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। तब बताया गया था कि दोनों कई सालों के बाद संसद में मिले थे। दोनों ही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। मनीषा कोइराला लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिल्म मौली में वो बिहारी मुस्लिम महिला के दमदार किरदार में नजर आएंगी। अपने किरदार और पर्दे पर वापसी को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी शादी की प्लानिंग को लेकर भी चर्चा की। मनीषा ने साल 2010 में नेपाल के एक बड़े बिजनेसमैन से शादी की थी। 2 साल में ही दोनों का तलाक हो गया, लेकिन आज भी शादी को लेकर मनीषा के विचार सकारात्मक हैं। उनका कहना, कौन शादी नहीं करना चाहता, शुरुआत में ये अच्छा है मगर आगे आप समझ ही नहीं सकते। अगर मुझे कोई अच्छा इंसान मिलता है तो मैं इसके बारे में जरूर विचार करूंगी। इतना ही नहीं, मनीषा ने अपनी दिली इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि वो एक बच्चा गोद लेना चाहती हैं। उनका कहना है, मैं जब बच्ची थी तभी से मेरी इच्छा है कि मैं एक बच्चा गोद लूं। मैं अपने परिवार वालों के काफी करीब हूं, लेकिन वो नेपाल में रहते हैं। मैं जब घर आती हूं तो बहुत अकेला महसूस करती हूं।
बता दें कि मनीषा लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रही थी और अब वो स्वस्थ हैं और अपनी वापसी को लेकर खासी खुश भी हैं। अभिनव के अलावा मनीषा फिल्में बनाने और लिखने की भी योजना बना रही हैं। उनकी वापसी से उनके फैंस बेहद खुश हैं।